सिगरौली में सड़क हादसे का एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है। एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने दूसरे बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी और डिवाइडर से जा टकराया, जिससे एक की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक युवक तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था, जिससे युवक का बाइक में कंट्रोल नहीं रहा। युवक ने सामने से क्रॉस कर रहे बुजुर्ग की गाड़ी में टक्कर मार दी और फिर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया, जिससे अविनाश नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया। इस सड़क हादसे का वीडियो भी सामने आया है। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आज करीबन 10:30 बजे बिंदनगर बैठन मार्ग में टाइगर इन होटल के पास में तीन बाइक सवार लड़के, जो कि बिंदनगर के रहने वाले हैं, काफ़ी तेज़ी से बाइक को चला करके चालक जा रहा था और उसने तेज़ी से चलाते हुए एक राहगीर को भी टक्कर मारा और उसकी गाड़ी जाकर के डिवाइडर से टकराई और डिवाइडर से टकराने के परिणाम स्वरूप तीन व्यक्तियों को गंभीर चोटें आईं, जो कि एक ही बाइक में तीनों व्यक्ति सवार थे, जिसमें से अविनाश साकेत की जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। शुभम साकेत गंभीर रूप से घायल है और उसका एक जो साथी विनोद वो भी घायल है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।